मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा बताइएगा आप कहाँ से हैं कुंदन जी? हम बिहार से हैं। बहुत बढ़िया। तो आप डीएक्सएन में आपको कितना टाइम हुआ है? डीएक्सएन में हमें लगभग 4 साल होने वाला है अब, और हम 2015 में डीएक्सएन को आए। प्रॉब्लम था हमें, थोड़ा सा शरीर में कुछ समस्या था, तो उसके कारण से मेरे परिवार के लोग रिलेटिव्स ने डीएक्सएन के बारे में इंट्रोड्यूस किया। शुरू में तो लगता था प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। जी जी। और हम 3 बरस अपनी बीमारी से सभी जगह घूम चुके थे। अच्छा। जिसके कारण से किसी भी चीज पे विश्वास करना और इन सभी चीजों को पे विश्वास नहीं हो पाता था। अच्छा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने कुछ नहीं कर पाया, तो इससे भी कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन सभी जगह से थके हारे रहने के कारण जी लगा कि एक बार ट्राई कर, सभी चीजों को ट्राई करके देखा तो इसको भी ट्राई करके देखते। बहुत बढ़िया। चलना बुलना मुश्किल था, हेमोग्लोबिन लेवल कम रहता था। अच्छा। लूज मोशन होता था, पेट की प्रॉब्लम था, लीवर में प्रॉब्लम था। अच्छा। लेकिन उसके बाद सजेस्ट करने के बाद हम इसको लेना शुरू किए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। 8 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद चलने बुलने लगे, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, शरीर के अंदर में ताकत मिला, एनर्जी बना। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वो डाइजेस्ट भी होने लगा। बहुत बढ़िया। जब आपका हेल्थ अच्छा हो गया तो आपको इसमें करियर वाइज क्या दिखाई दिया डीएक्सएन में, कि आपने इसको एज ए करियर लेना शुरू किया हेल्थ अच्छा होने के बाद? अब जब हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हुआ, इससे फायदा मिला, उसके बाद हमें सबसे पहली मुलाकात होता है, जो कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर है सुरेंद्र सर, और धर्मशिला में मेरे वो गुरु जी हैं। अगर कुछ भी हैं तो उन्हीं के बदौलत है। मेरे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, शायद विदेश यात्रा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार की फैसिलिटी का मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं। ये सभी देन मेरे गुरुजी का है, सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम का है। तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डीएक्सएन को समझाने के लिए, डीएक्सएन को मेरे जिंदगी में लाने के लिए। उन्होंने ही 2015 के समय लगभग में ये बताए कि आप, वो हमसे पूछे आप करते क्या हैं, बोले पढ़ाई करते हैं। 2012 में हम IIT क्वालिफाई किए, इंजीनियरिंग करना, इंजीनियर बनना मेरा सपना था, मेरे पिताजी का भी सपना था। अच्छा। और 2012 में क्वालिफाई भी हुए, लेकिन फिर शरीर में प्रॉब्लम रहने के कारण हम वो नहीं हो पाया। लेकिन जो होता है सब बढ़िया होता है। बिल्कुल। हमें हो सकता है मेरे जीवन में डीएक्सएन आने का था, तो वो प्रॉब्लम आया, वो बीमारी आया, जो भी कुछ आया, तो वो बताया कि आप सभी, अगर आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे, तो सभी लोग का मन होता है कि अभी के जमाने में अगर देखा जाए तो सब चाहता है पढ़ लिख करके कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। जी, मेरा भी सपना वही था, अच्छा सा जॉब मिल जाए। लेकिन उन्होंने डिफरेंस करके बताया कि जॉब से क्या मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा। अच्छा। जॉब से आपको क्या मिलेगा, आप जब तक काम करेंगे जब तक ही पैसा मिलेगा, और उतना ही पैसा मिलेगा जिससे सिर्फ आप अपना घर चला सकते हैं, आप अपना दाल रोटी चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने डीएक्सएन से बताया कि डीएक्सएन में अगर एक बार टीम खड़ा कर दिया, एक बार एक अच्छी टीम बन गया, एक बार अगर एक बरस दो बरस थोड़ा सा मेहनत कर दिए, उसके बाद आपको, आपको ही नहीं आपके पूरे किसी जनरेशन को कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार टीम खड़ा कर दो, उसके बाद आपका पूरा खानदान कभी गरीब नहीं रह सकता है, कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है, कभी बीमार नहीं रह सकता है। वो जो बच्चा आने वाला जनरेशन होगा वो लाखपति और करोड़पति जन्म लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख करके। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने शुरुआत किया तो आपका डीएक्सएन में बोनस, शुरुआत का पहला बोनस कितने पैसे अगर का आपका आया था? बोनस अगर देखा जाए, अगर बोनस देखा जाए तो मेरा, हमने डीएक्सएन को ज्वाइन किया उसके बाद हमने प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करना शुरू किए, तो प्रोडक्ट को डीएक्सएन में मेंबर ज्वाइन होने के बाद हम अपने आईडी पे कुछ प्रोडक्ट खरीदे अपने लिए, तो खाने पीने से भी मालूम है डीएक्सएन में कुछ पॉइंट्स बनता है, उससे पैसा मिलता है। तो मेरा फर्स्ट महीने का जो बोनस जनरेट हुआ डीएक्सएन में आया वो था मात्र 272 रूपया। तो आपको ये लगा, शुरुआत में नहीं लगा होगा 272 रूपया मेरे आया तो इसमें बड़ा कैसे हो सकता है, उस टाइम आपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख पाए आप? तो 272 रूपया मिलने के बाद, उसके बाद हमें बस पॉजिटिव होने का एक ही कारण था कि आज तक हमने, मेरे परिवार के लोग और हमने भी कई तरह के चाय और कई तरह के कॉफियां पिया था, बहुत सारे जूस भी पिए थे, लेकिन आज तक एक भी रुपया नहीं मिला। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ के
मात्र एक महीने इस तरह से चाय पीने से 272 रुपया भी अगर मिला तो इससे पॉजिटिव हुआ। अब ये भी लगा जब ये 272 आ सकता है तो आने वाले समय में 2 करोड़ भी आ सकता है। क्या बात। तो आज आपका डीएक्शन से क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? अभी अगर देखा जाए तो मेरा स्टेटस अभी मेरे नीचे अभी टोटल 23 डायमंड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा हम TSIP क्वालिफायर भी है। बहुत बढ़िया। अभी पिछले बार मलेशिया से आए 25th एनिवर्सरी से जी। उसके बाद अभी हम कुछ ही महीने के बाद इस बार TSIP अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में NTSI वुनर में भी दिखेंगे। बहुत बढ़िया। और अगले साल जब दुबई की ट्रिप और हैदराबाद की जो फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है उसका लुत्फ भी लेने का मौका मिलेगा अगले TSIP में। अभी मेरे पास अगर देखा जाए तो डीएक्शन में कुछ मेरे पास डीएक्शन के बदौलत, मेरे सीनियर के बदौलत, मेरे गुरुजी के बदौलत और इस सिस्टम के बदौलत आज मेरे पास एक 10 लाख का एक अच्छी सी लग्जरी कार भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक खूबसूरत लग्जरी घर भी है आज डीएक्शन के बदौलत। अरे वाह। हर साल की विदेश यात्रा भी है। डीएक्शन में आने से पहले कभी हमेशा हम ऊपर में हवाई जहाज को उड़ते देखते थे, बच्चे में देखते थे। क्या बात। लेकिन जब डीएक्शन में 2015 के आने के बाद अगर देखा जाए अभी चार बरस के अंदर होने वाला लगभग मेरा 4 बरस डीएक्शन में, तो 4 बरस के अंदर में हमने लगभग 100 से ज्यादा बार देश और विदेश की हवाई यात्रा किया। क्या बात। पहले डीएक्शन में आने से पहले हवाई जहाज भी नहीं देखा था कैसा होता। आज आपका बोनस कितना है डीएक्शन से मंथली? आज अगर देखा जाए तो डीएक्शन सिस्टम हमें हर महीने लगभग 2 लाख रुपया मेरे घर में आता है डीएक्शन सिस्टम से। इसके लिए अपने गुरुजी को सुरेंद्र सर और धर्मशीला मैम को और डॉक्टर लिम को जिन्होंने ये सिस्टम को बनाया और प्रोफेसर बासुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैडम और RBC को सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत ही आज एक छोटा सा आदमी 22-23 बरस के अंदर में खेलने और कूदने के समय ये आदमी के पास 2 लाख रुपया महीना आता है। अच्छा सा घर है, अच्छा सा गाड़ी है, एक अच्छी सी मालिक कार का मालिक भी है। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ा खूबसूरती है कि मेरे पास इसलिए इस बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, सपना सबका होता है यंगस्टर को नौकरी करने का, जॉब करने का, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण था ये दूसरे को मदद करने का बिजनेस है। बहुत बढ़िया। आप अगर आप दूसरे का मदद करते हैं, आप दूसरे को भलाई करते हैं, भगवान आपको भलाई करता है, डीएक्शन आपको भलाई करता है। तो हमने दूसरे लोगों को भलाई करना शुरू किया जो सभी तरह के लोग आज अगर देखा जाए मेरी टीम के अंदर में, तो मेरी टीम में अभी हम पिछला बार गए मलेशिया 25th एनिवर्सरी में, तो मेरी टीम से लगभग 12 लोग मलेशिया गए। उसमें से 12 लोगों में आप देखेंगे कोई सब्जी बेचने वाला था तो कोई इंजीनियर था, कोई हाई क्वालिफाइड था, कोई ग्रेजुएट था, तो कोई आदमी अंगूठा छाप भी था। क्या बात। उस 12 में से तो ये समझ में आता है कि लोगों को मदद करने का बिजनेस है। अगर आप दूसरे को जिंदगी बदलना, आप लोगों को जो लोग नए हैं अभी जो और आने वाले हैं, जो लोग हमारी बातें सुनते नहीं, फील्ड में जाके बात करते हैं, बहुत बेरोजगार हैं, लोगों का इनकम नहीं है अभी इतना, तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे वो डीएक्शन में किस तरह से वो अपने आप को एनरोल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या मिल सकता है उनको? सभी लोगों को स्पेशली अभी के ये यंगस्टर को 18 बरस और 25 बरस के लोगों को मेरे तरफ से ये मैसेज है कि अभी जमाना बदल रहा है। अगर हमारे देश के जवान यानी यंगस्टर अगर जमाने के साथ बदले तब भी हमारा ये देश में बदलाव आ सकता है। अभी अगर देखिए अगर हम भी जमाने के साथ बदले तो ही मेरे जिंदगी में बदलाव आया। अगर जमाने के लास्ट वार्निंग है, बस किसी के लिए नहीं रुकेगा, आपके वीडियो के लिए नहीं रुकेगा, ये लास्ट वार्निंग।